स्वागत है आप सबका स्कोरोटो भाई यूट्यूब चैनल पर। एमएसबीटी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। आप सब लोग सोच रहे थे कि बैकलॉग एग्जाम कब होगा, बैकलॉग एग्जाम कब होगा, तो जी हाँ, एमएसबीटी ने सर्कुलर रिलीज कर दिया है। इंजीनियरिंग, फार्मेसी एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो रहेंगे उसके बैकलॉग एग्जाम यानी कि समर 2020 का जो बैकलॉग एग्जाम है वो एग्जाम किस तरह होने वाला है, क्या सिलेबस होगा, एग्जाम कब है और किस टाइप का एग्जाम होगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज मैं आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। तो सर्कुलर में क्या बताया गया है कि जो बैकलॉग समर 2020 एग्जामिनेशन है वो बैकलॉग समर 2020 एग्जामिनेशन फाइनल सेम के स्टूडेंट को छोड़ के बाकी सब स्टूडेंट के लिए है। और ये जो एग्जाम है वो एग्जाम कब कब होने वाला है, वो एग्जाम होने वाला है 23 नवंबर 2020 से लेके 5 दिसंबर 2020 के बीच में होगा। और ये सारा इंस्टीट्यूट लेवल नॉन थेरी एंड थेरी एग्जामिनेशन होगा। जी हाँ, मतलब ये जो एग्जामिनेशन है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब इसके जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस बताए, वो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस देखते हैं। क्या बताया गया है कि एमएसबीटी ने बताया गया है कि सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसको प्रिफरेंस दीजिए ताकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पहले हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम लेने में इनके अगर कुछ दिक्कत आती है तो फिर बोर्ड ने गाइडलाइंस इशू किया है कि आप टेलीफोनिक माध्यम से भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, टेलीफोनिक माध्यम से। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी बात करें तो हाल ही में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का, तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑनलाइन माध्यम से लिया गया था। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग का जो एग्जाम है वो भी रिटर्न एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है और वो ऑनलाइन होने वाला है। आप स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप की मदद से आप वो एग्जाम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तो क्लियर हो गया, तो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो क्या है कि आपको 30 क्वेश्चंस सॉल्व करना है आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है आउट ऑफ 40 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। ठीक है, फिर बाद में आगे क्या बताया गया है बोर्ड ने कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जैसे कि ड्राइंग के सब्जेक्ट हो सकते हैं जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा एग्जाम लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए आपको इन द सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन एंड ओरल क्विस्ट के माध्यम से आपके जो मार्क्स है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, मतलब जहां पे पॉसिबल नहीं है तो वहां पे प्रेजेंटेशन ले सकते हैं एंड ऑनलाइन ओरल क्विस्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि उनको पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए ड्यू टू सम रीजन। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो अपने इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म जल्दी से जल्दी करना चाहिए कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसके लिए हम हमारे वहां से मैं ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए इंस्टीट्यूट जो है वो खुद अपने वहां पे या फिर जो स्टूडेंट जहाँ पे रह रहे हैं उनके नजदीक जो भी इंस्टीट्यूट रहेगा वहां पे अरेंजमेंट एग्जाम के लिए कर देंगे। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी इंस्टीट्यूट है और जो भी स्टूडेंट्स है वो दोनों को COVID-19 की जो भी गाइडलाइंस यूजीसी ने दिया गया है वो गाइडलाइंस का 100% फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर डिसेबल स्टूडेंट्स है उनका क्या, सर डिसेबल स्टूडेंट्स है उनका क्या। ठीक है, तो जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट है उनको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एज पर रूल जो भी एक्स्ट्रा टाइम आपको देना चाहिए वो जरूर आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अब साथ साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एकदम ध्यान से सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे कि ये जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है वो एग्जाम इंस्टीट्यूट लेवल पे कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं होगा फोटोकॉपी के लिए, वेरिफिकेशन के लिए एंड री असिसमेंट के लिए। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि ये इंस्टीट्यूट लेवल एग्जामिनेशन है, इसके लिए यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं होगा फोटोकॉपी का, वेरिफिकेशन का एंड री असिसमेंट का। तो आप अभी एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वेरिफिकेशन या फिर री असिसमेंट फोटोकॉपी कुछ होने वाला नहीं है। तो जो आप आंसर देंगे वो दैट विल बी द फाइनल। ठीक है, अब दूसरी एक मेन चीज कि
एग्जाम जो रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट लेवल, तो आप अभी से ही ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी में जुड़ जाइए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा सॉल्व करिए, ठीक है। सो आज का वीडियो में इतना ही, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐसे ही नए नोटिफिकेशन में मिलते हैं आगे कुछ नए वीडियो के साथ। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।